भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से भगवान श्री कृष्ण और श्री राम सबसे ज्यादा पूजनीय क्यों है? दोस्तों, भगवान विष्णु के इस 10 अवतारों में ही कुछ विशेष कलाएं होते हैं। पुराणों में कला यानी कुछ विशेष गुणों का उल्लेख किया गया है। भगवान विष्णु जी कालचक्र के युग परिस्थिति और उद्देश्य के अनुसार जितनी कलाओं की आवश्यकता होती है उतनी कलाओं के साथ अवतरित होते हैं। जैसे त्रेता युग में भगवान विष्णु के उद्देश्य संसार को रावण से मुक्त करवाना था और रावण का वरदान प्राप्त था कि उसे कोई देवता नहीं मार सकते, इसलिए भगवान विष्णु को रावण का वध करने के लिए मनुष्य के रूप में अवतरित होना पड़ा। इस कार्य के लिए भगवान विष्णु को सिर्फ 12 कलाओं की आवश्यकता पड़ी जो श्री राम के पास था। दूसरी तरफ द्वापर युग में अधर्म का नाश और धर्म की स्थापना के लिए भगवान विष्णु को 16 कलाओं के साथ भगवान श्री कृष्ण के रूप में धरती पर अवतरित होना पड़ा। भगवान राम और भगवान कृष्ण श्री विष्णु के अवतारों में से सबसे ज्यादा कलाओं वाले होने के कारण ही इन्हें सबसे ज्यादा पूजा जाता है।